वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। प्रधानमंत्री मोदी जेउठी भी सुजोग पांदी कांग्रेस ऊपर को एमती बाण मार दियंती। सुजोग नथिले सुजोग तयारी कर दियंती। कार्यक्रम थला बर्लिन रो एक होटल ले सेठी से प्रवासी भारतीय सहित तांकर एक मिलेमासा कार्यक्रम रे निजर भाव व्यक्त करथले। कोथले ए वर्ष मानक रे भारत रे कोन कोन सब बदलछि तेबे से कहिथिया वाक्य ढेला ए केमिति पंजा जे 85% घसी घसी नै जाउथला सेमित से का ना नै नादि हेले ए आक्षेपकार प्रति ताको बुझिया को सामान्यतम कष्ट करिया पडिबनि। भारत रे व्यवस्था रे थिवा दुर्नीति को सूचाय पई ए होउछि आप्तवाक्य। पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ताको समय रे या कहिथिले से कहिथिले मु केन्द्र रु 1 टका पठाउछि किंतु लोकों पाखरे 15 पैसा पहुँचे। एहाकु से समय रे सरकारी व्यवस्था रे दुर्नीति रो स्वीकार्य बोली कह जाउछि एवं से व्यवस्था ओ समय होउछि कांग्रेस रो। तेबे मोदी कहंती या भितर सब बदली जाइछि। तांको सरकार 22 लाख कोटी टंका सीधा लोकों पाखकु पठाइछि सेथिरु गोटे भी पैसा बाट मार नाहीनि। व्यवस्था एमिति बदलिछि जे कौन से प्रधानमंत्री आउ कहीपरिवेनि मु टंका टिए पठेले लोकों पाखरे 15 पैसा पहुँचे। चलंतु शुणिया मोदींकर भाषण रे अंश। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बीते 7-8 साल में भारत सरकार ने आंकड़े याद रहेंगे मैं इतना सारा बता रहा हूं 7-8 साल में भारत सरकार ने DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा एक क्लिक किया जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो DBT के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में है तो आपको बता दू $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। इस वजह से सिस्टम में कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और उसके कारण जो भरोसे की खाई थी उस खाई को भरने का बहुत बड़ा काम इन नीतियों के कारण, इस नियत के कारण और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पाया है।